हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी पर और मैं हूं दुष्यंत सिंह। दोस्तों, आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार की जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट करते हुए ये अनाउंस कर दिया है कि यूपी टेट की जो है ऑफिशियल डेट फिक्स कर दी गई है आप लोगों के लिए, और ये जो डेट है इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ क्या चेंजेस हुए हैं फीस में, सिलेबस में, उस तरीके की सभी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिएगा दोस्तों, काफ़ी समय लग चुका है, अगस्त से लेकर अक्टूबर भी संपूर्ण हो चुका है और इसके टेट के जो फॉर्म हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आखिरकार सरकार ने इसे कराने का निर्णय ले लिया है। काफ़ी लोगों के बीच संशय बना हुआ था कि इस बार यूपी टेट की परीक्षा होगी भी या नहीं होगी, तो दोस्तों उसको दूर करते हुए आपको डेट दी गई है। 1 नवंबर से आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है शुरू हो जाएंगे दोस्तों, और इसके लिए जो है आपको इस बार जो है कुछ चेंजेस हुए हैं वो भी हम आपको लगातार बताएंगे। इसके लिए आपको 20 दिन का जो है समय दिया जाएगा और 20 नवंबर तक आपके जो है लास्ट डेट रखी गई है यूपी टेट के दोनों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों प्रकार के जो आपके एग्जाम होने हैं उसके लिए आपके 1 ही 7 फॉर्म निकाले जाएंगे। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप दोनों एग्जाम देना चाहते हैं या केवल एक एग्जाम देना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए क्लियर कर दूं जिन लोगों ने बीटीसी या बीएड किया है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि आप लोग जो हैं दोनों एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीटीसी वाले प्राथमिक का दे सकते हैं या बीएड वाले जूनियर लेवल का दे सकते हैं। तो आप प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और दोनों लेवल की जो वैकेंसी जाती हैं आप लोगों के लिए उसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के दोनों जो है योग्य है। तो दोस्तों, उस भ्रांति उसमें आप ना रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में ये नियम है कि बीटीसी और बीएड दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में आपके लिए जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं फीस में, इस बार जो है वृद्धि की गई है। 2018 में जो आपकी फीस थी वो 500 रुपये एक एग्ज़ाम के लिए थी, जो आप अगर प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में अप्लाई करते हो तो आपको 500 रुपये का शुल्क देना था और दोनों के लिए आपका जो है 1000 रुपये का शुल्क था। यदि आप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों एग्ज़ाम में अप्लाई करते हो तो 1000 देने थे, लेकिन इस बार जो है 2019 के लिए जो आपके आवेदन है उसमें 20% की जो है अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। शायद सरकार जो है मंदी के दौर में अपनी जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए जनता से धन की जो है लूट मचा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 500 की बजाय इस बार 600 रुपये होगी एक एग्ज़ाम के लिए, और दोनों एग्ज़ाम के लिए आपकी जो फीस है वो 1200 रुपये होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 20% वृद्धि की गई है। हालांकि ये वृद्धि होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है और सभी सरकारी कॉलेजों में ये होता है, तो इसमें ज़्यादा जो है खर्चा भी नहीं आता है, लेकिन क्या करें, सरकार जो है मजबूर है और जनता ने उसको इतना बहुमत दिया है कि वो कुछ भी कर सकती है। एग्ज़ाम डेट की यदि बात की जाए तो एग्ज़ाम डेट आपकी जो है 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है। 22 दिसंबर को आपका 2 पालियों में एग्जाम होगा। प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर का होगा जो 10 से आपका 12:30 बजे तक होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। दूसरा जो एग्जाम है वो 2:30 बजे से आपका 5 बजे तक होगा शाम के। तो यहाँ पर आपके 2 पालियों में एग्ज़ाम हो गए। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा प्राइमरी का, और इसमें सेकंड मीटिंग में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा जूनियर लेवल का। तो दोनों एग्ज़ाम आपके एक ही दिन में होंगे और आशा करता हूँ कि इस बार जो सिस्टम है वो पिछले बार के मुकाबले थोड़ा चेंज किया जा सकता है। एक ही कॉलेज में आपके दोनों सेंटर निर्धारित किए जा सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि आपकी सिटी तो केवल एक ही रखी गई थी जिन लोगों ने दोनों में अप्लाई किया था, लेकिन सेंटर आपके चेंज कर दिए गए थे जिसकी वजह से परीक्षा जो है काफ़ी आधा घंटा लेट भी शुरू हुई थी जूनियर लेवल की, और उसमें काफ़ी लोग जो हैं अनुपस्थित भी रह गए थे क्योंकि एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुँच पाए थे। बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपके जो हैं यहाँ पर 10 दिसंबर से आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, के जो फॉर्म है वो 20 नवंबर लास्ट डेट है, उसके बाद
जो है यहाँ पर जो दिसंबर में है 10 दिसंबर तक आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और उसके बाद आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके तुरंत बाद जो है आंसर की डेट दी गई है और ये काफ़ी जल्दी की गई है। इस बार 4 दिन के बाद अर्थात आपकी 26 दिसंबर को आंसर की जो ऑफिशियल डेट दी गई है आयोग के द्वारा, वो 26 दिसंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद जो है आपकी कुछ आपत्तियां होंगी क्योंकि पिछली यूपी सरकार जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियों की भरमार करती है और 22-22 क्वेश्चन तक एक एक पेपर में गलती की जाती है। तो यहाँ पर आयोग जो है आनंद फानन में रिजल्ट जारी करेगा, उसमें आपको आपत्तियां भी होंगी और आपत्तियों का निस्तारण जो है 30 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। 30 दिसंबर तक सॉरी आपसे आपत्तियां ली जाएंगी कि जिस प्रकार से आप जो है एग्जाम में किसी क्वेश्चन की आपत्ति करना चाहते हैं तो 30 दिसंबर तक आप कर सकते हैं और इसका जो निस्तारण है वो कर दिया जाएगा आपका 16 जनवरी तक निस्तारण करने के बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट जो है आपका 21 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। 21 जनवरी 2020 में कुल मिलाकर आपका जो है रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं जो इसमें चेंजेस हुए हैं वो किस प्रकार से हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करोगे मैं जानता हूँ और उसके लिए मैं आपको पहले ही आंसर दे देता हूँ इसका। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार भी, तो आप निश्चिंत होकर पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पर पूरे 150 क्वेश्चन प्राथमिक में आएंगे और 150 जूनियर में आएंगे। सिलेबस के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा क्योंकि सिलेबस काफ़ी विशाल है, जो भी इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, हालांकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, आयोग ने जो है बड़ी जल्दी से जो है सिलेबस और क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी के लिए आपका जो है 90 मार्क्स यहाँ पर क्लियर है, सॉरी 90 मार्क्स 150 मार्क्स में से जो आपका जो बैठता है वो बैठता है 60% पर आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। और अन्य जो कैटेगरी है एससी ओबीसी या आपकी एसटी जो है उसके लिए जो मार्क्स है वो 150 में से 82 आपको सही करने होंगे क्वेश्चंस और ये जो मार्क्स हैं ये कुल मिलाकर 55% आपका स्कोर बनता है। तो दोनों के लिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यही है। अदर स्टेट के लिए आप यदि अदर स्टेट से हैं, क्योंकि अदर स्टेट के लिए भी मैं आपको क्लियर कर दूं तो अदर स्टेट के लिए आपका रिजर्वेशन नहीं है तो आपको यूआर में ही काउंट किया जाएगा, तो आपको भी 90 मार्क्स करने होंगे 150 में से और 60% आपको स्कोर करना होगा कुल मिलाकर परसेंटेज में। सिलेबस के लिए मैं क्लियर कर दूं कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, काफ़ी 2-3 महीने से ये अफवाह फैल रही थी कि सिलेबस बदल गया है, पैटर्न बदल गया है, तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा जिस पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आप करिएगा और चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि 2 महीने हैं आप लोगों के बीच, यहाँ पर लगभग 60 दिन हैं और हम आपको 50 दिन में ये जो है कोर्स कराएंगे, पूरा फुल कंप्लीट कोर्स आपको हमारे चैनल पर 50 दिन में करा दिया जाएगा। और इससे संबंधित जो भी आपको परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर यदि बात की जाए कि आपका जो इस बार का टेट का जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 में से 150 मार्क्स के आपके रखे जाते हैं और यहाँ पर जो है आपको 90 मार्क्स और 82 मार्क्स पर क्वालिफाइंग करना है। अब काफ़ी लोगों का कमेंट्स था कि ईडब्ल्यूएस को क्या करना होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही कट ऑफ रहेगा क्या, तो मैं क्लियर कर दूं कि इसके लिए यहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं जारी किया गया है, तो आपको 90 मार्क्स ही करने होंगे और 60% ही स्कोर यहां पर करना होगा ईडब्ल्यूएस के लिए। और मेल और फीमेल का इसमें जो है अलग से कट ऑफ नहीं लगता है, फीमेल के लिए भी यही कैटेगरी में यही स्कोर करना होगा और मेल के लिए भी यही करना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है जानकारी मिल चुकी होगी, यदि फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में और एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।